नमस्कार दोस्तों, किरण के सिरी चैनल में फिर से स्वागत है आपका। आज मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक के फंक्शनों के बारे इंटरनेट बैंकिंग के फंक्शनों के बारे में बताऊंगा। बैंकिंग में सारे फंक्शन इसके ऐड हैं। बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। ये हमारे यहाँ पे अकाउंट की लिस्ट, जितने भी अकाउंट हो गए हमारे बैंक के वो आ जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, इसमें आप समरी देख सकते हैं, अकाउंट की समरी, अकाउंट की स्टेटमेंट जो भी है आप देख सकते हैं। अपने करंट अकाउंट, कितने अकाउंट, यहाँ से स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिपॉजिट में आप अपने डिपॉजिट्स की समरी देख रहे हैं। अगर आपने कोई डिपॉजिट अकाउंट खोल रखा है, आप अपने डिपॉजिट की कैलकुलेट, ये डिपॉजिट कैलकुलेटर है, आप अपनी इसमें एफडी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आप अगर ऑनलाइन एफडी बनाएंगे तो उसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पे, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र और पेमेंट में आप बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में, एसबीआई में या दूसरे किसी भी खाते में फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ उधर सर्विस सर्विस रिक्वेस्ट में, न्यू सर्विस रिक्वेस्ट में, बाकी इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विस दी गई है। चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है, किसी भी चेक की स्टॉप पेमेंट करवानी है, अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी है, बैलेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, या कोई भी एफडी क्रिएट करनी है, या समय से पहले विड्रॉ करवानी है, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे न्यू डेबिट कार्ड चाहिए, नया डेबिट कार्ड बनाना है, या डेबिट कार्ड का पिन चाहिए, या डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, तो ये सारे फंक्शन बैंकिंग में दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे आप इससे अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, या बिल भी पे कर सकते हैं। यहाँ बिल पेमेंट और रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिचार्ज, मोबाइल डाटा, मोबाइल करना है या डाटा कार्ड करना है, किसी भी तरह का रिचार्ज आप कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत अच्छी सर्विस है ये। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऐड कर रखे हैं, उनमें मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, कोई भी रिचार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डालूँगा, रिचार्ज नाउ कर दूँगा तो ये रिचार्ज कर देगा अपने का। अगर मुझे कोई नया और नंबर ऐड, जो मैंने ऐड नहीं कर रखा है उसको रिचार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दूँगा, ऑपरेटर कौन सा उसका ऑपरेटर है वो डाल दूँगा, और रिचार्ज की अमाउंट डाल दूँगा, रिचार्ज नाउ कर दूँगा, तो यहाँ से रिचार्ज हो जाता है। बिल अगर मैंने कोई पे करना है तो मैं माई बिल में जाके बिल भी पे कर सकता हूँ। अगर बिलर को पहले मैं ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे बिल शो हो जाएगा, उसे मैं बिल भी पे कर सकता हूँ। अगर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड अगर आपने कोई लिया हुआ है कोटक महिंद्रा से, तो यहाँ क्रेडिट कार्ड में उसके सारी डिटेल मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, उसकी समरी, सब कुछ मिल जाएगा। कितनी लिमिट है आपकी, कितनी आपने यूज़ की हुई है, कितनी आप अभी यूज़ कर सकते हैं, ड्यू डेट कितनी है, सब कुछ। उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन यहीं से आप कर सकते हैं। लोन, नेक्स्ट ऑप्शन है लोन का, अगर आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से तो यहाँ पे वो भी शो हो जाता है। तो ये थे कोटक महिंद्रा बैंक के फंक्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।